He's a great dad. Principal तुमसे बात कर रही थी और तुम ऐसे उठ के चले गए. बहुत ही principal आदमी है. What is this language? Great sense of humor. इतनी classes के बाद भी. And I was in Delhi. You told me you were in Dehradun. झूठ भी बोल लेते हैं. तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा हस्बैंड एक डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करे. यू वांटेड हिम टू डू अ कन्वेंशनल जॉब. पर जैसे ही श्रीकांत ने कॉर्पोरेट जॉब लिया, तुमने अपना जॉब छोड़ दिया. मैं बच्चों के साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती थी, इसीलिए. एंड यू श्रीकांत, जॉब बदलने में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ होगा ना, उसमें अडेप्ट करने के लिए दिक्कतें आई थी? नहीं, मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ. आई एम ऑलराइट. फिलहाल ये डिस्कशन को साइड में रखते हैं. लेट्स डू अ सिंपल एक्सरसाइज. ओके श्रीकांत, तुम पांच चीजें बताओ फॉर विच यू आर ग्रेटफुल टू सुचित्रा. पांच चीजें. मतलब सूची में पांच ही क्यों, बहुत सारी चीजें हैं विच आई रियली एडमायर. मतलब लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि बच्चों को मेरी कमी कभी भी महसूस नहीं होने देती है. शी वॉज अ वेरी गुड भरतनाट्यम डांसर. भरतनाट्यम बहुत अच्छा करती है. सांभर तो मतलब बहुत ही कमाल का बना. एंड रसम. या सांभर और रसम को गिनो तो भी चार ही हुआ है श्री. ऑल ऑफ अ सडन पूछा तुम, मतलब कुछ शो खेलने आए तो बता देती ना, प्रिपेयर करके आता मैं यार. ओके श्रीकांत, रिलैक्स. नाउ योर टर्न. ही इज अ ग्रेट डैड. बहुत ही प्रिंसिपल आदमी है. ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. वेरी इंटेलिजेंट. बहुत ही कमिटेड है. हार्ड वर्किंग है. एंड ड्रॉप ऑफ द हैट झूठ भी बोल लेते हैं. ओके नाउ हाउ फिजिकली इंटीमेट यू टू आर, एज इन हाउ ऑफन आई मीन टू आस्क हाउ फिजिकली इंटीमेट यू आर इन लाइफ, यू नो जनरली. आर यू आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सेक्स? फिजिकल इंटीमेसी इज जस्ट नॉट अबाउट सेक्स. It's much more. It's an indicator of your emotional bond. Holding hands, office jaate waqt, hugs and kisses, cuddling. These are quite a personal details, yaar. Shrikant, stop looking at sex as a taboo subject. You should be able to talk openly about it. Mazak banake rakha hai yaar. This is so childish. Isse acha behtar advice to phone pe search marunga mil jayega mujhe. Mr. Shrikant, you can become knowledgeable from others' knowledge. But you cannot become wise from others' wisdom. ये quote भी Google पे मिल जाएगा तुम्हें. मैंने नहीं कहा ये quote मेरा है. मुझे भी quote आता है. If you and me agree on everything, then one of us is unnecessary in a bench. कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. डर के आगे जीत है. जो जीता वही सिकंदर. इसके माँ का बहुत सड़ा. सुचिता इससे मिच्छा ये. We are paying for this quote. Fuck it, I'm not part of it. I'm not part of it. Shit, fraud है ये. चलो थोड़ा. You need serious help. I promise I'll get another appointment. Really sorry. हाँ 3000 ले. नहीं ऐसा करो 5000 ले. और बुक का भी चार्ज करना. हाँ उसका खुल ही गया एक. ए तिवारी तू क्या पागल हो गया क्या? एक दो मैसेजेस पढ़ लिए तो तू क्या कुछ भी सोचेगा? कोई आधी रात को एक लड़की को इतने मैसेज भेजता है? सूची भी ना. क्या सूची? क्या ये मतलब बहुत टाइम से देख रहा हूं. फोन पे ही लगी रहती बच्चों की जैसे. हाँ तो सही है ना. अभी तू उससे बात नहीं करेगा तो वो किसी ना किसी से तो बात करेगी ना. साले तू उठा बाहर फेंक दूंगा मैं. दोस्त है कि दुश्मन? तू एक बता मेरे को, तूने सूची के रिप्लाईज पढ़े क्या? नहीं. लेकिन वो भोसड़ी का जो है ना वो भर भर के वो भेज रहा है वो इमोजीज. हाँ इमोजीज. स्माइलीज. भर भर के मतलब? मतलब भर भर बहुत सारे एक साथ. तो एक साथ स्माइली भेजने का कोई नंबर फिक्स होता है कि यार इससे ज्यादा भेज दिया ना तो यार बहुत गड़बड़ हो गई यार. ऐसा हंसी मजाक ना सब जगह होता है. हम लोग नहीं करते क्या? और सूची ना कोई बच्ची नहीं है. उनको मालूम होता है ऐसे लोगों ना कैसे हैंडल करने का. वो संभाल लेगी रे.
वो जो स्माइली था वो ऐसा नॉर्मल स्माइली था कि ऐसा वो ऐसा वाला था, ऐसा होंठ के ऊपर ऐसा रेड हार्ट आता है ना, ऐसा करके वो था? नहीं वो नहीं था। सेफ है फिर तो? सेफ है। You're supposed to send me that report like 5 hours ago. What? Marks are bad, man. Just let me, you know. Excuse me? Then, yeah, please, let me, you know. My conference room. Now, follow me. Yeah. तुम्हारे काम का नहीं है। ये क्या है? काम का नहीं है, बोला ना। मुझे पता है क्या है, मैंने ना टीवी पे एक एड देखा था, उसमें एक लड़की बहुत टेंशन में होती है, फिर इसको यूज करने के बाद फट से एनर्जाइज हो जाती है, वो पागलों की तरह उछलने भी लगती है और भागने भी। चुप, चल। शो क्या? उससे बताया क्यों नहीं? और प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊं मैं? वो कोई बॉम्ब नहीं है, इट्स अ सैंचुरी पैड। ओके, और इसमें छुपाने वाली क्या बात है? Girls have periods and boys are dumbasses. Hello. What is this language? कहाँ से सीख रही हो ये? आप जिस स्कूल में मुझे भेजते ना वहीं से। वो टैबलेट्स तुम्हारे पास कर क्या रही थी? ये सब करने के लिए भेजते हैं तुम्हें स्कूल? और ये डॉक्टर मैडम बाकी स्टूडेंट्स को भी दे रही थी। What? I told you it was. चुप! ज़्यादा मुँह मत चलाओ। हर बात के पहले जवाब तैयार रहता है। एक तुम अपनी बाप की तरह बनती जा रही हो, झूठ पे झूठ। और तुम, प्रिंसिपल तुमसे बात कर रही थी और तुम ऐसे उठ के चले गए? नहीं, वो जाना जरूरी था। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव श्री? तुम्हारी अपनी बेटी के फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट है यार, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट। अगर होता तो तुम ऐसे उठ के नहीं गए होते। नहीं, वो थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए मुझे जाना। दुनिया की सारी इमरजेंसियां तुम्हें क्यों होती है? कभी तो समझा करो यार। नहीं, मैं तो समझ ही नहीं रही हूँ ना, तुम समझाओ, मैं सुन रही हूँ। नहीं, फिनिश कर लो ना। नहीं नहीं, हो गया। आई एम श्योर जेके ही होगा, तुम्हारी पहली बीवी तो वही है। नहीं नहीं, उसको जरूरी फाइल मांग रहा था। सोचिए यार, प्लीज यार, प्लीज सुन लो यार, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं पूरा दिन प्रिंसिपल के साथ बैठ करके बात कर लेता, लेकिन वो एयरपोर्ट पे रूटीन हैंड ओवर था तो इसलिए मुझे। अच्छा, एक्चुअली वो सुनो, ऑफिस की क्वार्टरली मीटिंग होती है, फिर वो बॉस भी दिल्ली से आया हुआ था, फिर अचानक बीच में ही फ़ोन आने शुरू हो गए कि उनको वो ज़रूरी फाइल नहीं मिल रही मीटिंग के लिए, फिर मुझे सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा यार। मैं क्यों चाहता? एयरपोर्ट में क्या बात कर रहे थे? क्या बोल रहा था? एयरपोर्ट का कुछ बोला गया? मैं थक गई हूँ श्री, तुम्हें ना हर रोज़ कुछ ज़रूरी काम आता है, कभी तो अपनी फैमिली के बारे में सोच लिया करो। अरे यार, सोचता हूँ यार। धृति के स्कूल की प्रॉब्लम कल ही कल तुम फिक्स करोगे। प्रॉमिस, आई विल फिक्स इट। आई रियली होप इट्स नॉट योर फील्ड वर्क अगेन। अरे नो सुशी। पापा, कैन यू गेस द सॉन्ग? इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा, बांसुरी वादक, कल से म्यूजिक क्लासेस बंद। हमने पैदा नहीं किया तुम्हें, गलती से आ गया तो गलती से। नीचे रख इसको, यहाँ रख। इतने क्लासेस के बाद भी तुमने टास्क छोड़ा था ना? प्लीज जॉइन बैक। अब तक सब कुछ अकेली मैं करती आ रही थी, आगे भी मैं कर लूंगी। अथर्व की डिलीवरी के टाइम पर भी आई टुक माय सेल्फ टू द हॉस्पिटल। सोची, 9 साल हो गए इस बात को, तुम पुराने रिकॉर्ड की तरह इसको घिसे जा रही हो यार। मैं I was in Delhi, but no, I was in Kolkata that time. अच्छा, you told me you were in Dehradun. और कितना झूठ बोलोगे श्रीकांत? मेरा झूठ भी तुम्हें मेरे सच से बचाने के लिए था। तुम जानती हो मैं किस तरह के प्रोफेशन में था। अगर मैंने झूठ बोला so that you could sleep peacefully, I could protect you, I could protect my family. Right. तुम ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो शिकार, अब झूठ छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, जस्टिफाई करने लगे। यू नो व्हाट, होल मैरिज इज अ शैम। शैम?
sham. Sham, huh? The thing that is not what it is purported to be. Purported kya hai bhai? Falsely present something as the truth. Bogus. So you think our marriage is bogus? You know what? I think we should take some time off from each other. Time off? ये हो क्या रहा है सोची हो क्या रहा है आई एम नॉट इन अ ग्रेट मेंटल स्टेट नो दैट आई कैन सी दिख रहा है मुझे शी कांट डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नो आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड मुझे ये गोरे लोगों की भाषा समझ में नहीं आती लेट्स टेक अ टाइम ऑफ फ्रॉम ईच अदर लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर मुझे समझ नहीं आता हमारे यहाँ पे छोटे शहर में या तो शादी होती है या नहीं होती ये बीच का रास्ता नहीं होता है बस चाहिए क्या तुम्हें वो बताओ व्हाट द फक डू यू वांट क्या चाहिए तुम्हें हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर Happy birthday to you! Yay! Thank you. Happy birthday. जल्दी कर ले केक में बत्ती रह जाएगी सिर्फ अच्छा ठीक है कोई बात अगले साल कर लेना ठीक है अगले साल बस बस Happy birthday! चल से ओके ओके मैं लूँ हाँ, ऊपर हाँ ये मैं देख रहा हूँ यार मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा